अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जन जागरूकता को लेकर मंदसौर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड से देव डोंगरी माताजी रेवास देवाड़ा रोड 10 किलोमीटर तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया। रैली में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया सहित वरिष्ठ अधिकारी और युवा शामिल हुए। इस दौरान देव डोंगरी माताजी स्थल पर पौधारोपण भी किया गया। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के आज 75वां वर्ष पूरा देश मना रहा है। आज़ादी में जिन शहीदों ने बलिदान दी है आज उनको पूरा देश नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम करता है। महोत्सव को लेकर पूरे देश में अपार उत्साह का माहौल है। ये यात्रा नहीं है, ये भावना है, ये आस्था है, ये समर्पण है और पूरे विश्व में हमें संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75वीं जो हमारी वर्षगांठ है अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। कहीं पर्यावरण को लेकर के वृक्षारोपण हुए तो कहीं तालाबों को गहरीकरण करने को लेकर के कार्यक्रम की आयोजना हुई है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के आयोजन इसी श्रृंखला में हम हर घर पर तिरंगा फहराएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्व धर्म सद्भाव की भावना रखते हुए देश का सबसे बड़ा अगर भी सम्मान इसका सूचक यदि कोई है हमारा तिरंगा है। तिरंगे को लेकर के आज हम महाराणा प्रताप के बस स्टैंड से देव डोंगरी माता जी तक बड़ी साइकिल यात्रा निकाला है। महिलाओं ने भी मंदसौर की महिलाओं ने संकल्प किया कि हम बाइक यात्रा निकालेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस प्रकार के आयोजन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। जनता के साथ में सब लोग बना रहे हैं और माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि घर घर पर हमारा तिरंगा लगना चाहिए, हर घर पर हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए हमारे देश के ऊपर और तिरंगा हमारे घर पर लगेगा। आज यही अभियान के तौर पर आज पूरे मंदसौर शहर के हमारे सारे जनता निकल पड़ी है। हमारे माननीय विधायक हमारे माननीय विधायक आह्वान सब पूरा देश एक साथ खड़ा है और अमृत महोत्सव को बड़े अपार उत्साह के साथ हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है।